राजेश कुमार, आज हम रिपेयरिंग करेंगे दही बिलौने की मधानी जो हमारे पास में रिपेयरिंग के लिए आई हुई है। ये देखिए बिल्कुल बंद है, तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या प्रॉब्लम है। हाँ दोस्तों, ये देखिए ये बिल्कुल जल गई है। ये देखिए, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल जल गई है ये। तो ये स्टेटर हम निकालेंगे, इसकी कोयल और दूसरी कोयल इसमें हम लगाएंगे। हम दूसरी कोयल बांध के रखते हैं, हमारे पास में पड़ी रहती है एक्स्ट्रा, तो वही हम लगाएंगे इसके अंदर। तो चलिए पहले से खोल देते हैं। बहुत सी मधानी दोस्तों बुश वाली आती है, बहुत सी बैरिंग वाली आती है, ये बैरिंग वाली है। इसी से ठोकेंगे पीछे से तो उधर से सामने से बाहर निकल जाएगी ये। स्टेटर हमने निकाल दिया है और दूसरा स्टेटर हम लगाते हैं। कि देखिए ये कोयल हमारे पास में बांधी हुई है, पहले से ये हम लगा देते हैं नई। उसी तरह से ठोक के फिट करना होता है दोस्तों। ये लीजिए, फिट हमने कर दिया है ये कोयल। अब इसका रूटर हम लगा देते हैं वापस। ये इसका ढक्कन है, कवर है पीछे का, जो फिट कर देते हैं वापस। स्क्रू चारों वापस लगा देते हैं। अब दोस्तों इसका करेंगे हम कनेक्शन। तो इसमें चार वायर होते हैं, जिसमें से दो, एक काला वायर एक लाल वायर, ये दोनों एक जगह में हमें जो डायरेक्ट स्विच आता है उसमें लगाएंगे, और दो वायर बचेंगे वो दोनों कैपेसिटर के साथ में एक एक वायर लेफ्ट राइट की स्विच में लगा देंगे। तो ये थोड़ा इसका वायर छोटा था इसलिए मैं दूसरा वायर जोड़ रहा हूँ, कैपेसिटर का वायर थोड़ा छोटा था इसलिए। कनेक्शन बिल्कुल करके बाद में आपको नज़दीक से भी कनेक्शन दिखाऊंगा मैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, दोनों लेफ्ट राइट का जो स्पीड का है वो कैपेसिटर के साथ में एक एक जगह लगा दिया है, एक जो डायरेक्ट आता है ये देखिए, यहाँ पे दोनों वायर डायरेक्ट वाला स्विच में लगा दिया है। ये लीजिए कनेक्शन, और जो जॉइंट किया था वहाँ पर हम टेप लगा देते हैं ताकि शॉर्टिंग ना हो अंदर। अब वापस इसको फिट करते हैं। स्क्रू लगा देते हैं और फिर चला के देखते हैं। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें। ये लीजिए दोस्तों, बिल्कुल मधानी हमारी चालू हो गई है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद आपका।